स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई है और जी एक्सिस है, ये तीनों मिलकर के बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, ये इस पे और ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहे हैं तीनों बेटा जी, एक दूसरे पर 90 एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो ये स्पेस बनाते हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा हैविंग थ्री लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड स्पेस। इस स्पेस के अंदर जैसे प्लेन के अंदर हमने वेक्टर को ड्रॉ किया था तो वहां पे हमें टू एक्सिस चाहिए थे, वैसे ही स्पेस में एंगल को वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। हम इस स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो हम ये एक पॉइंट पी लेते हैं, हम एक्स एक्सिस की जानिब डिस्टेंस ए कवर करेंगे, हम वाई एक्सिस की जानिब डिस्टेंस बी कवर करेंगे और सिमिलरली हम डिस्टेंस सी अलोंग जी एक्सिस कवर करते हुए पॉइंट पी तक पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट को जिसे ओरिजिन कहते हैं इसको पॉइंट पी से एक लाइन के जरिए मिलाते हैं। ये पॉइंट पी जब ओरिजिन से मिलता है तो एक वेक्टर जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है ए बी सी। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 ये एक्स वाई और जी को रिस्पेक्टिवली इंडिकेट करते हैं। हम अलोंग एक्स एक्सिस ए पॉइंट मूव करते हुए गए, अलोंग वाई एक्सिस बी डिस्टेंस मूव करते हुए गए और अलोंग जी एक्सिस हम सी डिस्टेंस तक मूव करते हुए इस पॉइंट पी तक पहुंचे। अगर हमारे पास स्पेस की एग्जांपल ये हो तो हम ये कह सकते हैं कि हम यू स्पेस में लाई कर रहे हैं, ये एक्स एक्स है, ये वाई है, ये जी एक्सिस है, हम इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं तो हम यहां से इस ओरिजिन से चलेंगे, हम इधर आएंगे, हम अपर डायरेक्शन में जाएंगे, हम इधर जाएंगे, तो हमने एक्स ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला, इनमें से किसी को भी आप कंटिन्यूसली आप अगर यहां से स्टार्ट करते हैं एक्स वाई जी होगा, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं एक्स वाई जी होगा और अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये एक्स, ये वाई और ये, आपने एंटी क्लॉकवाइज किसी को भी एक्स वाई जी कह लेना है। तो फर्ज कर लें आप इसको एक्स कहते हैं तो एक्स वाई जी, आप इस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं, आप यहां जाएंगे फिर आप अपवर्ड में, देखिए आपने पहले ये एक्सिस कवर किया, अब आप अपवर्ड डायरेक्शन में ये कवर करेंगे और इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप ये, क्योंकि यहां पे पॉइंट लाइन नहीं किया, ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो हम सिर्फ सपोज करेंगे कि ये जहां पे मेरे उंगलियां नजर आ रही हैं ये दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट कर रही है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ये एक्सिस और ये एक्सिस तीनों एक्सिस को एक टाइम में कवर करना पड़ेगा और फिर आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। जिस इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ये लाइन मिला रही है इस लाइन को वेक्टर कहते हैं, ये वेक्टर तीन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस लाइन जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये तीनों लाइंस मिल रही हैं इसे भी ओरिजिन कहते हैं, इस पर एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यूज जीरो होती हैं, इसके अकॉर्डिंग इस तरफ राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होगा, अपर डायरेक्शन में वाई पॉजिटिव होगा, आउट ऑफ द पेज आउट ऑफ द बोर्ड आपकी तरफ जी जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो एक्स नेगेटिव होगा, ओरिजिन से डाउनवर्ड में जाएंगे तो वाई नेगेटिव होगा और इनटू द बोर्ड अगर हम जाएंगे तो जो हमारा जी है दैट विल बी द नेगेटिव। इसके बाद बेटा जी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको वेक्टर्स की एडिशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन और इंशाल्लाह वेक्टर यूनिट वेक्टर और दीगर डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होंगी इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे।